मध्य प्रदेश के धार जिले की बदनावर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अपने ही दो बच्चों के हत्यारे पिता को गिरफ्तार कर लिया है। धार एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने पत्रकार वार्ता में इस घटना का खुलासा किया। जानकारी के अनुसार जिला के गांव मुल्थान में पिता ने अपने दो बच्चों की केवल इसलिए हत्या कर दी क्योंकि पत्नी मजदूरी करती थी और उसे बच्चों की संभालने की जिम्मेदारी दी थी। देखभाल करने से तंग आकर उसने अपने 6 साल के बेटे आयुष और 4 साल के शुभम को पानी के भरे गड्ढे में फेंक दिया। इससे दोनों की मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि 23 सितंबर को गांव मुल्थान में पानी से भरे गड्ढे में दो बच्चों के शव पाए गए थे। पड़ताल करने पर उनके नाम आयुष और शुभम मालूम हुए। घटनास्थल से करीब 2 किलोमीटर दूर पिता की बाइक मिली थी। संदेह था कि कहीं पिता धर्मेंद्र की भी हत्या ना कर दी गई हो। घटना के कुछ दिन बाद कुछ लोगों को गोधरा रेलवे स्टेशन पर धर्मेंद्र दिखा तो शक की सुई उस पर घूमी। वह फरार था। पुलिस ने अलग अलग स्तर पर दबिश दी। रविवार को उसे बदनावर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने बताया कि वह कुछ काम करता नहीं था तो ससुराल आकर रिटोड़ा रहने लगा। मूल रूप से धर्मेंद्र रतलाम जिले के बिलपांग थाना के ग्राम पगीबाड़ा का था। पूछताछ में बताया कि उसकी पत्नी ने यह कहा था कि मैं मजदूरी करूंगी और तुम दोनों बच्चों की घर पर रहकर देखभाल करना। देखभाल करने से वह तंग आ चुका था और ऐसे में उसने शराब पी और 23 सितंबर को बच्चों की हत्या कर दी। धार से संवाददाता जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। करीब 3 माह पूर्व एक गड्ढे में दो बच्चों की लाश मिली थी। 6 वर्ष का 4 वर्ष का एक बालक था और उसी समय से उनका पिता गायब था। उसकी मोटरसाइकिल जो है हमारे हालत में वहां मिली थी। पुलिस ने इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया और उसमें निकल के आया 8-10 दिन बाद जो बच्चों का फादर था वो गोधरा में देखा गया था और करीब इसका पगीबाड़ा रतलाम में इसका गांव है और जब वहां दबिश दी गई और प्रेशर क्रिएट किया गया तो उसको पिटकारा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने पे इसने पहले कहानी बनाई कि 4 लोगों ने इसका अपहरण करके हाथ पैर बांध दिए और इसके बच्चों को गड्ढे में फेंक दिया। सबकी से पूछताछ की गई। ये निकल के आया कि ये जो धर्मेंद्र पिता नंदराम है ये टोड़ा में अपने ससुराल में रहता था अपनी वाइफ के साथ और क्योंकि शराब पीने का आदि था तो काम करता नहीं था तो घर की जिम्मेदारी इस पर थी और वाइफ जो है वो मजदूरी करती थी। ये इस बात से परेशान था क्योंकि सारे उनके बच्चों की सारी देखभाल इसे करनी पड़ती थी। उस दिन इसने बच्चों को अपने साथ बैठाया और करीब 2:30 बजे घर से निकला। जाके मुल्थान में उसने कलालू की शराब पी और उसका बच्चों को ले जाकर गड्ढे में फेंक दिया। उसने हत्या के आरोप में इसे अरेस्ट किया। दूसरा मामला एक गैंग को बदनावर की तरफ पकड़ा गया। इसमें 10 मोटरसाइकिल्स रिकवर की गई कीमत 3 लाख रुपये। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है सूरज पिता योगेंद्र सिंह चंद्रावत निवासी पिटकारा। सूचना मिल रही थी कि ये एक एवरेज घर का होने के बावजूद बहुत ही अच्छी लाइफ स्टाइल लाइफ स्टाइल की रहा है और इसके इनको चेकिंग में इसको और इसका उस फॉर्म पकड़ा गया और जिस मोटरसाइकिल पर ये लोग घूम रहे थे उसमें मोटरसाइकिल दो दिन पहले बदनावर से चोरी हुई थी और आगे इन्वेस्टिगेट करने पे निकल के आया कि इन्होंने और भी जो है मोटरसाइकिल चुराई जिसमें एक गाड़ी जिला हरदा से भी 5 लोगों को अरेस्ट किया गया जिसमें एक नाबालिग है और 4 अन्य लोग। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।